हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन द अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाउ टू चेस्ट वर्कआउट। आज मैं आप लोगों को चेस्ट की वर्कआउट बताने वाला हूं, जो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो जो आपके चेस्ट को बहुत ही जल्दी गेन करेगी और आपको इस एक्सरसाइज से बहुत ही कम्फर्टेबल होगा चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली करेंगे तो गारंटी के साथ अगर आप एक महीने चेस्ट की वर्कआउट जो मैं बताने लगा हूँ आपको, अगर वो करोगे तो गारंटी के साथ आप एक महीने के अंदर चेस्ट को बिल्ड करता हुआ देखेंगे, ये गारंटी के साथ, क्योंकि ये मैंने एक्सरसाइज करी है और मैंने अपने चेस्ट को बिल्ड करते हुए देखा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए तो मैं आप लोगों को चेस्ट की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके चेस्ट को बिल्ड करने में बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में आपको इस पोजिशन पर आना है। आपको इस एक्सरसाइज में दो ईटों की जरूरत पड़ेगी। इस पोजिशन पर आने के बाद आप लोगों को ऐसे होना है। उसके बाद आपको पुशअप एंड स्ट्रेच आपको ऐसे करके स्ट्रेच करके एक सेकंड के लिए वेट करना। उसके बाद फिर ऊपर आ जाना, फिर पुशअप स्ट्रेच ऐसे। आप इसको जितनी मर्जी बार कर लें, 30-50, लेकिन आपको इसके सेट बनाने पड़ेंगे। चार सेट, 25-25 के चार सेट बना लो तो 100 पुशअप्स एंड स्ट्रेच हो जाएगा, जिससे आपके चेस्ट को बिल्ड होने में बहुत ही जल्दी मतलब कि बिल्ड हो जाएगी। जस्ट पूरा स्ट्रेच कर दो ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे करना आपको। ऐसे इसे क्या होगा, इससे जो हमारे चेस्ट है ये आपस में खिंचाव में आएंगे तो ये जल्दी बिल्ड होंगे। जब हम लोग इससे चेस्ट को स्ट्रेच करते हैं, पुशअप्स मार के चेस्ट को स्ट्रेच करते हैं, तो हमारे जो चेस्ट हैं उसमें पेन होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे चेस्ट है वो बिल्ड होने लगे हैं। जब स्टार्टिंग में आप लोग करेंगे तो आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन धीरे 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 जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपका दर्द खत्म होगा और चेस्ट बिल्ड होना शुरू करेगा। 1 month ओनली, 1 month मैंने किया था तो मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। आप भी ट्राई करें, ये बिगनर्स के लिए है जो शुरू से मतलब शुरू करने लगे अपने वर्कआउट फिटनेस जो भी करने लगे हैं, ये बिगनर्स के लिए है। तो ऐसे एक्सरसाइज बिगनर्स की करें। चलिए हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकंड एक्सरसाइज पूरे बॉडी और हैंड पे स्ट्रेच आएगा और चेस्ट पे स्ट्रेच आएगा। आपको इसको कैसे करना है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको इस पोजीशन में आना है, आपको ट्राई करें, आपको इस पोजीशन में आना है ऐसे, और हैंड को पूरे यहाँ लेके आना है ऐसे। उसके बाद आपको हैंड को पूरे ऐसे लेके आना है, यहाँ पर रखना है ऐसे, अपने आप को ऊपर उठाना है चेस्ट को ऐसे। स्लो आपको ये वाली एक्सरसाइज 25-25 बार करनी है। आपको इस एक्सरसाइज के चार सेट बनाने हैं, 25 बार एक, 25 एक बार, 25 एक बार, 25 एक बार और 25 एक बार, चार सेट दोगे मतलब 100 ऐसे एक्सरसाइज करनी है आपको। इस एक्सरसाइज से हमारे जो चेस्ट के साइड के मास है वो बिल्ट होते हैं और उसके अंदर जो मास इकट्ठा होता है वो स्ट्रेच होता है और हमारे जो चेस्ट है वो बिल्ट होने में बहुत ही इम्प्रूवमेंट में आते हैं। तो इस एक्सरसाइज से हमारे जो चेस्ट है बहुत ही जल्दी बिल्ट होते हैं। इस एक्सरसाइज को आप डेली करें। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी तीसरी की एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन पे आना है। पोजीशन पे आपको दो ईंटों की जरूरत पड़ेगी। इस पोजीशन पे आओ और उस पर
इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, इससे यहाँ पर पेन होगा, इससे कि चेस्ट पर वेट होने के इम्प्रूवमेंट आती है। यहाँ से हमारे चेस्ट बड़े होते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं। आपको इस तरह करना है चेस्ट की एक्सरसाइज। इससे जो हमारा बैक है वो भी बनता है। ऐसे करना। इस एक्सरसाइज में आपके जो चेस्ट है बहुत ही जल्दी बिल्ड होंगे। आप भी इस एक्सरसाइज को 50 बार करें या 100 बार करें, जितना हो सकता है आप उतनी बार करें इस एक्सरसाइज को, लेकिन जरूर करें। इससे क्या होता है, जो हमारे चेस्ट है बहुत ही जल्दी बिल्ड होते हैं, बहुत ही इम्प्रूवमेंट में आते हैं, बहुत ही जल्दी आपको शेप एंड साइज में दिखते हैं। ये तो हमारी थी तीसरी एक्सरसाइज। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो कुछ इस तरह है। उस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन पे आना है। आपने पुशअप्स मारे होंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे पुशअप्स मारने हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। ऐसे लेग्स को पूरा बड़ा कर देना है और जितनी दूर हो सकते हैं अपना हैंड उतनी दूर रखना है। उसके बाद ऐसे यहाँ पे आना है, उसको स्लो स्लो आना नीचे, अपने चेस्ट पर भार देना है वेट करके, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है स्लो स्लो, चेस्ट पर भार देना है। ऐसे 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 इस एक्सरसाइज को आप डेली करें। ये जो मेन पुशअप्स की एक्सरसाइज है हमारे चेस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो समझ लो आप पूरे पेट, चेस्ट, बैक एंड हैंड की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पुशअप से क्या होता है, पुशअप से एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे चेस्ट बहुत ही जल्दी बिल्ट होते हैं और बैक भी बहुत ही जल्दी बिल्ट होती है, शेप एंड साइज में आती है। आप इस एक्सरसाइज को डेली करें, 100% गारंटी है कि जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है अगर आप वो डेली करेंगे तो 1000% गारंटी है कि आपके चेस्ट बहुत जल्दी बिल्ट होंगे। क्योंकि ये मैंने एक्सरसाइज करी है, 1 month मैंने एक्सरसाइज करी है, मेरे चेस्ट पर बिल्ट होते हैं। नहीं तो मैं पहले बहुत ही पतला था, अब तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। तो चेस्ट की एक्सरसाइज है आप डेली करें, 100% गारंटी कि आपके चेस्ट बहुत ही जल्दी बिल्ट होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।